गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो सेवन्थ क्लास आज हमारे पास है। सेवन्थ क्लास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो करते हैं। सेवन्थ क्लास में हमने चैप्टर तो तकरीबन कर ही लिया, ये सारा टाइम भी बता दिया था मैंने, एंटी मैरिड रेन, पास्ट मैरिड रेन। तो ये चैप्टर जो है, ये ग्राफ मैंने बता दिए थे, ऐसा यूनिट ये भी करवा दिया था। ना यू कैन डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन मैंने दे दी, डिफाइन एसआई यूनिट, ये पेज नंबर 163 पे जो नाउ यू कैन आंसर व्हाट इज ग्राफ, ये मैंने बता दिया था। ग्राफ क्या होता है? दो लाइन होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो कोई चीज अगर बढ़ रही है या घट रही है, एक लाइन में हम कुछ ले रहे हैं, एक लाइन में टाइम ले रहे हैं, जैसे एक लाइन में डिस्टेंस ले रहे हैं, तो उन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारे पास ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल देना था, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था। यूनिफॉर्म एग्जाम्पल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें उसके साथ एग्जाम्पल भी दिया था। अब हमारे पास आती है इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले एक और है, नाउ यू कैन आंसर सनडायल कैन वर्क इवन एट नाइट। तो सनडायल नाइट में काम नहीं करता है, तो क्या है? फॉल्स। तो पहले में क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, स्मार्ट सनडायल एट जंत्र मंत्र इन जयपुर इन द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, ये है ट्रू। क्या है? ये ट्रू, यानी कि वर्ल्ड में स्मार्ट सनडायल सबसे जंत्र मंत्र पे जयपुर में बनाया गया था। आगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट बॉक्स, ये फॉल्स है भाई, कोई पोजीशन नहीं होती है, मीन पोजीशन कुछ नहीं होती है उसकी, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है, जो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ एंड स्टेयरिंग पेंडुलम इज पीरियड इंक्रीज, तो ये भी गलत है, पीरियड इंक्रीज नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स थे, स्टेट ट्रू फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये देखो, ये आगे हमारे पेज नंबर 160। तो पेज नंबर है सेवन्थ क्लास, बुक निकाल लो, पेज नंबर 168। तो कितना पेज नंबर है? 168। पहला देखो क्या है, फीलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स हैं, फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक्स में देखो क्या है। फील इन द ब्लैंक्स में दो चीजें आएंगी हमारे पास। पहले देखो, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो देखो फर्स्ट, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट आर अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। भाई क्या बना दी? स्टैंडर्ड यूनिट बनाई थी, स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगी। जो स्टैंडर्ड यूनिट थी हमारी, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मीटर, ग्राम, ये यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगी। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या कहता है, डिस्टेंस मूव इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड, जो डिस्टेंस यूनिट है ना, डिस्टेंस मूव करता है ए यूनिट टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम, तो उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है। आगे देखो, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन आर मेजर्ड बाई स्टॉप वॉच, तो स्मॉल टाइम किससे मापा जाता है? छोटा स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच से मापा जाता है। फोर्थ नंबर देखो क्या है, क्लॉक आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक सबसे बढ़िया होता है, एटॉमिक क्लॉक सबसे बेस्ट क्लॉक होता है। इन अर्ली डे, नेक्स्ट देखो, इन अर्ली डे सैंड क्लॉक वर यूज्ड टू मेजर साल्ट इंटरनल ऑफ टाइम, समुद्री नमक के द्वारा साल्ट इंटरनल आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमारे पास है उनमें। अब देखो आगे क्या है, सिक्स नंबर भी क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सन सीरीज सनराइजेस इज कॉल्ड, जो सनराइज मैंने बताया था तो उसको क्या बोलते हैं? डे। जो सनराइज होता है, ये था हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, जो हमारा पेज नंबर है
168 सेवंथ क्लास है हमारी, क्लास सेवंथ है, क्लास हमारी क्या है बेटा सेवंथ। तो ये दो तीन साल के अपने फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो। आगे है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड अपॉन अमाउंट वेट हंग एंड स्ट्रिंग। तो वेट पे तो डिपेंड करता ही नहीं, ये बात तो भूल ही जाओ कि वेट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ट्रू फॉल्स है ये TMF। तो फर्स्ट में क्या गया F, तो क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है ट्रू फॉल्स में। आगे कहता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी क्या है हमारे पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा क्योंकि जो मोशन वो नहीं कहता कि भाई इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में होगा तभी तो वो होगा ना कि मोशन में है वो, अगर नहीं है तो नहीं है। ए कार मूविंग ऑन ए रोड फुल वेरिएबल ट्रैफिक कैन नॉट बी यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ये हो सकता है, अगर कार है ना ट्रैवल कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी उसको कम स्पीड करनी पड़ेगी और कभी ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी। आगे एटॉमिक क्लॉक कैन मेजर टाइम ओनली अप टू ए सेकंड। नहीं, सेकंड में नहीं करते हम इसको, किस में किया जाता है, मिनट में भी किया जा सकता है। आगे द बिगेस्ट सनडाइल्स ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। जंतर मंतर न्यू दिल्ली थोड़ा ही है, जंतर मंतर न्यू दिल्ली, तो जंतर मंतर न्यू दिल्ली में नहीं है भाई, कहां है जंतर मंतर, जयपुर में है, नई दिल्ली में नहीं है, जयपुर में है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फिफ्थ नंबर भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यू मून इन 15 डेज, ये ट्रू है, ये सिक्स नंबर पे ट्रू है। मैंने बताया था कि टाइम मून के द्वारा मेजर किया जाता था, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 मेरिडियन 15 पॉइंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ डिवाइड कर दिया 224 आवर में, यानी कि सिक्स नंबर सेवंथ नंबर पे हो जाएगा ट्रू। तो ये काम आज मैंने बताया था कि 24 मेरिडियंस होते हैं 15 पॉइंट ईच, तो ये हमारे पास हो गया सेवंथ, सेवंथ की फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए और ट्रू फॉल्स हो गए। कर लोगे बेटा अपनी बुक में देखो, अब मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत लगता है, इसीलिए हमने क्या किया सिर्फ आंसर मैंने बता दिए हैं, आप राइट इट, राइट कर लेना इनको। हैव अ नाइस टाइम।